गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नीरज फिर से आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इन्फॉर्मेशन के लेवल पे, ठीक है। और ये काम आएगा इमरजेंसी की केसेस में जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो बात ऐसी है कि मान के चलो, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं जा रहा हूँ बाइक से या कैसे भी बाहर जा रहा हूँ और बाई चांस मेरा हो जाता है एक्सीडेंट। मैं पढ़ा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं बेहोश हूँ, अनकॉन्शियस हूँ। कोई आता है, मेरी हेल्प करना चाहता है, मेरा फ़ोन उठाता है, वो चाहता है मेरे फैमिली वालों को फ़ोन कर दे, लेकिन वो देखता है मेरा फ़ोन लॉक है, मतलब ही कैन नॉट एक्सेस माई कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो किसको कॉल करेगा? पुलिस को करेगा, जैसे भी करेगा, बट आपकी फैमिली भी इन्फॉर्म होनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं बताऊँगा और ये कैसे करते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि लोगों को पता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यानी आइस करके नंबर सेव करते हैं, वो नंबर होता है जहाँ पे इमरजेंसीज में आपके उस बंदे को कॉल करी जा सकती है आपके ही मोबाइल से, मतलब उसके मोबाइल से जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है, फ़ोन लॉक है। तो अब मैं आपको ले चलूँगा अपने फ़ोन की स्क्रीन पे और आपको वही करके दिखाऊंगा ये कैसे काम करेगा और सबको करना चाहिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिक्योरिटी के लिए, तो ये वायरल होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी के फ़ोन में आपको सेव करना है ये नंबर और उसको बताना है कि लॉक फ़ोन में भी ये कैसे काम करेगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा नंबर सेव करना, उसके बाद एक्चुअल बताऊँगा कि एक लॉक्ड फ़ोन से हम कैसे कॉल करेंगे उसी नंबर पे जहाँ पे आपने वो सेव किया है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने डायलर में और डायलर के बाद हम चलते हैं कोई नंबर, कोई भी नंबर हम ऐसे करके सबसे पहले सेव कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम ऐड कॉन्टेक्ट करते हैं और अभी के लिए मैं इसको इस तरह सेव कर ले रहा हूँ। जब मैंने नाम यहाँ पे भर लिया, उसके बाद नीचे जाइए, नीचे आपने ढूंढना है ग्रुप। तो ग्रुप में आपको ये नीचे ग्रुप है, ग्रुप में मैं जाऊँगा, वहाँ पर कंपनी खुद ही देती है इमरजेंसी करके, वहाँ पर एक नंबर, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आप टिक करिए और इसको सेव कर दीजिए। अब ये नंबर आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। और दूसरा मैं और आपको करके दिखाऊंगा कि मैं जाता हूँ अपने कॉन्टैक्ट में और उसके बाद मैं ढूंढता हूँ ग्रुप कहाँ है, ये ग्रुप है, ग्रुप में इमरजेंसी में मैं जाता हूँ। तो ये लास्ट में जो नंबर मैंने सेव किया था आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने अपने पापा का नंबर ऐड करना है, ये देखिए, और इस नंबर को मैंने ऐसे ओके कर लिया। अब ये नंबर भी यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह आपको नंबर सेव करना है। तो दोस्तों, एक दूसरा तरीका और भी है इसको बनाने का, हम जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाते हैं यूज़र्स में या फिर सिक्योरिटी में। अगर सिक्योरिटी में, मैं यहाँ पर जाके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें नीचे जाइए तो नीचे आपको मिलेगा इमरजेंसी रेस्क्यू, इस पर क्लिक करिए और ये इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन जो ऊपर है उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए पहले से जो नंबर सेव्ड है वो दिखाई दे रहे हैं और इसमें आप और भी नंबर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मैं कॉल करके दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये है मेरा फ़ोन, आप देख सकते हैं ये है लॉक्ड, ये लॉक्ड है फ़ोन। और अब ये सिचुएशन होगी कि मेरा फ़ोन कोई उठाएगा, मेरे घर वालों को सपोज़ फ़ोन करना है, तो क्या करेगा वो, ऐसे करेगा और देखेगा ये तो लॉक है, वो अनलॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको कोड नहीं मालूम। फिर वो क्लिक करेगा इमरजेंसी वाले इस वाले फंक्शन पे और उसके बाद वो क्लिक करेगा इधर, ये इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे नंबर दिख जाएगा, ये नंबर मेरे पापा का दिख रहा है। जब वो इस पर कॉल करेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पापा को कॉल जाएगी या जिसका नंबर सेव होगा। अब ये मेरे पास दो सिम है तो इसलिए पूछता किससे करना है, लेकिन आप देख सकते हैं इससे कॉल चली जाएगी क्योंकि कॉल जा रही है। तो इस तरह इसको यूज़ करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।